अभी मैं ट्रेवल करने वाला हूँ सीधे छपरा से सिवान तक गाइस। हमारी जो ट्रेन है वो होने वाली है मऊ एक्सप्रेस स्पेशल, लेकिन ये बड़ी पसंदीदा ट्रेन है क्योंकि ये सभी स्टेशन पर रुके हुए जाने वाली है। तो अभी तो इसका टाइमिंग है 4 बजे से, देखिए कब ये डिपार्ट करते हैं। बात करते हैं तो मैं डिपार्ट का फोटो ज़रूर दिखाता हूँ। जो अभी छपरा से डिपार्ट होगी, अगर डिपार्ट टाइम की मैं बात करूँ तो पूरे 4 बजे बजे जो है डिपार्ट हुई है। फर्स्ट स्टॉपेज टेक निवास, ये जो है एक 15 ट्रैक्स का रेलवे स्टेशन, ये नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत में आता है भाई। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट स्टॉप पे। अभी टेक निवास से डिपार्ट हो रही है, पहुँचे अपने तीसरे स्टॉप कोपा कमहोता। और ये जो है भाई 4 ट्रैक्स का रेलवे स्टेशन है, और ये जो है NER नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत में आता है। अगर मैं टाइमिंग की बात कर लूँ गाइस तो टाइम हो रहे हैं 4:31, और भाई ये बहुत ही ज़्यादा लेट करती हुई जा रही है। अपने नेक्स्ट स्टॉपेड दाऊदपुर, ये जो है 4 ट्रैक्स का रेलवे स्टेशन है, और ये नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन में आता है। अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ गाइस तो 4:41 में पहुँच चुके हैं दाऊदपुर। नेक्स्ट स्टॉप शेखमा में, और यहाँ पे जो है ये 4 ट्रैक्स का रेलवे स्टेशन है महेंद्रनाथ हॉल्ट, और ये जो है 2 ट्रैक्स का रेलवे स्टेशन है गाइस। अगर मैं टाइम आप लोगों को बताऊँ तो 5 मिनट बज चुके हैं भाई। गाड़ी है वो महेंद्रनाथ से हॉल्ट से डिपार्ट हो चुकी है। स्टेशन जो कि है चैनवा, और मैं टाइम आप लोगों को बताऊं तो 5:06 हो गए गाइस। हमारा ये जो है टाइम लगा वहाँ से यहाँ आने का गाइस 5 मिनट लगा है भाई। और ये जो है एक भाई 5 ट्रैक्स का रेलवे स्टेशन है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत में आता है। टाइम बताऊं तो टाइम हो रहा है 5:16 गाइस। और भाई जो है ये एक 4 ट्रैक्स का रेलवे स्टेशन है भाई जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत में आता है। आज मैं पहुंच चुका अभी पचरुखी, और ये एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है भाई। सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, और भाई मेरे साथ ट्रैवल कर लेते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन।